नमस्कार, स्वागत है आपका द मोर्चा के डेली बुलेटिन में। मैं आपके साथ पूजा सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। जीन सेक्टर 9 में मृतक महिला के स्थान पर दूसरी महिला को खड़ी कर मकान अपने नाम करवाने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि यह मामला पुलिस द्वारा 8 सितंबर 2022 को दर्ज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति ने मृतक महिला के स्थान पर दूसरी महिला को खड़ी कर मकान अपने नाम करवाया है, जिसमे पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए आरोपी ज्ञानेंद्र वासी फरीदाबाद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उचाना क्षेत्र की समीक्षाओं के समाधान को लेकर उचाना तहसील में कार्यालय धरना दे रही हैं। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोमवार को धरने में उपस्थित लोगों ने कहा कि उचाना हलके की समस्याओं को लेकर लेखक डिप्टी भूषण चौटाला भी गंभीर नहीं है, जबकि वो उचाना हलका से ही विधायक बने और भारी मतों से जीते थे। लेकिन अब जनता के साथ जो औटल्य व्यवहार किया जा रहा है, उसका जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। भाजपा से जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा ने वार्ड 30 में जन संवाद कार्यक्रम के तहत वार्ड वासियों के समक्ष पेश किया लेखा जोखा। जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तत्व में भाजपा सरकार हर वर्ग को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है। सरकार का एक ही प्रयास है कि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक के सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे। इसी को लेकर गाँव के बाद अब शहर के सभी वार्डो में एक एक कर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें वो शहर वासियों के समक्ष करवाए विकास कार्यों को लेकर कार्यों का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। उचाना पुलिस ने उदयपुर गांव के 12 लोगों के खिलाफ एक परिवार के सदस्यों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। उचाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर के निवासी रणधीर पुलिस ने की शिकायत में बताया कि गांव के 12 लोगों ने लाठी डंडों से उसके परिवार के सदस्यों पर हमला किया, जान से मारने की धमकी दी, आसपास के लोगों में बीच बचाव किया, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने इस मामले में उदयपुर के 12 लोगों को नामजद करके केस दर्ज कर लिया है। सीतलपुरी कॉलोनी निवासी युवक को नौकरी लगवाने के बहाने ठगे 3 लाख रुपए। सीतलपुरी कॉलोनी निवासी दवेंद्र ने बताया कि हमारे जान पहचान अरेका निवासी ओम प्रकाश सिंह है, जिसने मेरे बेटे को नौकरी लगवाने के बहाने 3 लाख रुपए हमसे लिए थे, जिसमें उसने कहा था कि तुम्हारे बेटे को सरकारी जॉब लगवा देंगे जो कि कलर है, जिसके चलते 6 लाख में हमारी बात हुई और 3 लाख रुपए हमें उसे दे दिए। उसने न तो नौकरी लगवाई और न ही हमारे पैसे वापस दिए। जब पैसे मांगे तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते मैंने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि रविंदर की शिकायत पर ओम प्रकाश को नामजद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है। जींद हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक समेत हरियाणा के सभी जिलों, देश में विदेश की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। द मोर्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।